हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। सो आज का मेरा ब्लॉग है, जो मेरा एक्शन कैमरा है वो मुझे माउंट करना है हेलमेट में। तो ये मेरा जो पुराना वाला हेलमेट है उसमें तो माउंट होगा नहीं, क्योंकि मैंने जब उसे देखा कि इसमें माउंट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसका जो चिन का पार्ट है ना वो काफ़ी ब्रॉड और बाहर है। तो अगर आपको माउंट करना है ना अगर हेलमेट में, तो आपको जो जो चिन का पार्ट होता है ना वो हेलमेट का थोड़ा प्लेन होना चाहिए। पूरा प्लेन होगा तो आपका जो भी वो जो माउंट का जो कर्व पार्ट होता है ना स्टिक करने के लिए, वो बराबर से बैठ जाएगा। तो क्या क्या एसेसरीज अपने को लगेंगे वो मैं बता देता हूँ। मैंने पहले से निकाल के रखा था, क्योंकि अगर बाद में करता तो वीडियो काफ़ी लंबा होगा, इसके लिए मैंने सोचा शॉर्ट और सिंपल रखूँगा वीडियो, ताकि फटाफट आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो ये माउंट है, ये स्क्रू वाला एक माउंट है, और ये दो स्टिकिंग पार्ट दिए है, उसमें से कर्व वाला है और एक प्लेन है। कर्व वाला अगर आपका जो हेलमेट का जो चिन का पार्ट है ना वो अगर जैसे अभी ये कर्व है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कर्व है और बाहर है, ब्रॉड है, तो इसमें नहीं लगेगा। वो जो मेरा दूसरा वाला हेलमेट है ना उसमें ज़्यादा बाहर नहीं है और प्रॉपर मतलब एकदम बराबर कर्व है, तो ये वाला कर्व वाला मैं उसमें स्टिक करूँगा। और ये जो है ये प्लेन है, जिसका अगर सरफेस जो चिन का सरफेस है वो प्लेन रहेगा तो वो उसमें चिपक जाएगा, इसलिए आप दो मिलता है। और प्लस मुझे दो स्टिकिंग पार्ट भी दिया हुआ लोग ने। सो अगर किसी को एक्स्ट्रा यूज़ होगा तो वो पील ऑफ करके अपन डायरेक्ट उसको लगा सकते हैं। सो ये स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को फिर से एक बार बता देता हूँ, ताकि आप लोग अच्छे से दिख जाए। ये जे माउंट है, आई होप सो आप लोगों को क्लियर दिख रहा हो। और ये एक स्क्रू के साथ डबल साइड माउंट है, ये एक्चुअली दोनों साइड मूव है इसका, ताकि एक जो है वो जो जे माउंट का है उसका फेस लगेगा, और एक जो सरफेस है ये वाला डाउन वाला वो एक आपके गोप्रो के इसमें एक्शन कैमरा या गोप्रो जिसके पास जो भी होगा उसके इसमें जाएगा लॉक होने के लिए। ये हम इसको साइड पर रखते हैं। और ये जैसे कि मैंने बताया चार चीज़ें हैं। तो ये है मेरा न्यू वाला हेलमेट जो मैंने यूज़ नहीं किया, 4 मंथ से ऐसे ही पड़ा हुआ है, बॉक्स में ही था, तो मैंने सोचा कभी ना कभी यूज़ हो जाएगा, तो इसको अपन ओपन करते हैं फटाफट। टोटली एकदम न्यू है, मैंने इसको यूज़ किया ही नहीं है बिल्कुल भी। फिट भी अच्छे से होता है ये। काफ़ी अच्छे से फिट हो गया है मेरे को, इसलिए मैंने ये लिया था। बट ये मेरे अभी कुछ यूज़ हुआ ही नहीं था, तो अभी मैं फ़िलहाल राइड के लिए सोच रहा हूँ, तो इसीलिए मैं सोचा कि इससे बेस्ट अभी और कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता मेरे पास, क्योंकि मेरा अभी जो हेलमेट है वो इतना ठीक नहीं है कंडीशन उसका, तो इसलिए मैंने ये सोचा कि ये सबसे बेस्ट होगा। और GoPro इस पर माउंट भी हो जाएगा, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि इसका कर्व पार्ट है, ये देखो ये अच्छे से ये हो जाएगा, माउंट हो जाएगा इस पर, ये हो जाएगा, या फिर ये दोनों में से कोई भी एक अपन स्टिक कर देंगे। काटे मैंने इसके लिए, सो इसको ना प्रॉपरली स्टिक करना। मेक श्योर कि आप जब स्टिक करते हो तो इसको एकदम प्रेस करना, और इतना भी मत प्रेस करना कि टूट जाएगा, क्योंकि उसका जो स्टिक होता है ना बहुत हार्ड होता है। हग कर रहा हूँ। सो अभी ये काफ़ी टाइट स्टिक हो चुका है, तो इसको अभी मैं कुछ करूँगा नहीं, इसको मैं आज हाथ पर इसको ऐसे ही रहने दूंगा, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं चाहता। सो जैसा कि आप अभी देख सकते हो कि काफ़ी अच्छे से स्टिक हो गया, इसको मैंने 1 आवर तक ऐसे ही रखा, आई होप सो आपको दिख रहा होगा। और ये जो है ना इसमें क्लिप है, क्लिप तब जो आप अभी जे माउंट के यहाँ पे ना ऐसे जो अपन बैग में यार क्लिप होता है क्लिप, तो वैसा क्लिप है, ये ऐसे माउंट हो जाएगा।
एक मिनट मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये है, इसको थोड़ा सा प्रेस करने का, फिट हो गया। तो ये जो जी माउंट है आपका वो फिट हो जाएगा। तो ये मेरा जी माउंट फिक्स हो गया। पहले मैंने उल्टा फिक्स किया था, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। जो क्लिप होता है वो निकाल के आप फिर से फिक्स कर सकते हो, लेकिन जो आपने स्टिक किया है ध्यान रखना, जो आपने स्टिक किया है वो नहीं निकलेगा, वो जल्दी से नहीं निकलेगा, वो निकलेगा तो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो सोच समझ के फिक्स करना, उसके बाद जी वाला अमाउंट, सॉरी ऐसे जाना अंदर। अभी मैं इसको स्क्रू कर दूंगा। ये हो गया अपना एक, देख रहे से ये ऊपर नीचे माउंट होगा। एक और स्क्रू है, ये आपका गोप्रो, और ये हो गया रेडी। सो गोप्रो अभी मेरा चार्ज हो रहा है, एक्चुअली यहाँ पे है, ये इसके अंदर चले जाएगा और जो भी आपको शूट करना है एक्शन कैमरा से या गोप्रो से वो आप कर सकते हो। सो यही मुझे बताना था, क्योंकि काफ़ी लोगों को पता नहीं था कि कैसे एक्शन कैमरा या फिर गोप्रो अपने को हेलमेट में लगाना है। एक मिनट आप लोग दिखा दो, आप लोग को दिखा दिया। सो बहुत सिंपल तरीका है इसको माउंट करने का, तीन चीज़ें अपने को लगती है, एक तो जी माउंट है सबसे ज़्यादा ज़रूरी, और एक जो उसका प्लेट होता है कर्व प्लेट आता है, और एक प्लेन प्लेट आता है। डिपेंड की सरफेस कैसा है, चिन सरफेस हेलमेट का कैसा हेलमेट है आपके पास उसके ऊपर डिपेंड होता है। और दो एक्स्ट्रा आपको ये मिल भी कुछ एक्शन कैमरा या गोप्रोस में मिलते हैं और किसी किसी में नहीं मिलते तो आपको बाहर अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये अपना हेलमेट रेडी हो चुका है फुल जुगाड़ के साथ। ये आप जैसे आपको चाहिए वैसे आप एडजस्ट करके अपना एक्शन कैमरा सेट कर सकते हो। तो इसे मैं ले चलूँगा अपने नेक्स्ट राइड पे, और इसी के साथ इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। सो स्टे ट्यून्ड टू जिस जुगाड़ ब्लॉग, और हाँ कमेंट करते रहना, शेयर करते रहना, सब्सक्राइब भी करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और जितने भी नोटिफिकेशन बेल है उसको रिंग करो, ताकि आपको जितने भी नए नए मैं ब्लॉग डालूंगा या फिर जो भी मेरा नोटिफिकेशन रहेगा अपडेट रहेगा वो आप लोगों को मिलते रहेगा। सो गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स।